हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हेल्दी व्हीट पास्ता, जो कि बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। प्रोटीन इसमें बहुत है, तो हम इसमें वेजिटेबल डाल के इसको और हेल्दी बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में गर्म पानी को गर्म कर लिया, उसके बाद हम ये पास्ता डालेंगे और साथ ही मैं इसमें वन एंड ए हाफ टीस्पून मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पास्ता को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये पास्ता हमारा उबल चुका है, अब मैं इसको छान लूँगी। पास्ता को मैंने अच्छे से छान लिया है और ऊपर से मैंने इसके ठंडा पानी डाल दिया ताकि ये आपस में चिपके नहीं और इससे ज़्यादा पके नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर पानी को डाल के अब हम इसको रख देंगे एक बाउल के नीचे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। इधर मैंने कढ़ाई रख ली है, इस पर हम 1 टेबल स्पून में इसमें तेल डाल रही हूँ और इसको अब हम गरम होने देंगे हम इसको। और इसके लिए मैंने जो जो सब्जियां काटी हैं, इसमें प्याज है मीडियम साइज का, ब्रीक कटिंग कर लिया, गाजर एक, इसको भी ब्रीक कटिंग कर लिया, एक शिमला मिर्च और एक टमाटर। टमाटर के मैंने बीज निकाल किए फिर इसको कटिंग किया है। तो अब तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें प्याज डाल देंगे और सब्जियों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंच रखना है ताकि इनका प्रॉपर टेस्ट आए। और मैं इसके साथ ही मैं इसमें गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब हम इसको थोड़ा पका लेंगे। तो प्याज हमारे थोड़े पक गए हैं, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे क्योंकि गाजर को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको हम 2 मिनट पहले डाल के इसको 1 मिनट के लिए अलग से फ्राई कर लेंगे इसको। और मैं व्हीट पास्ता बना रही हूँ, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है हाई प्रोटीन व्हीट। ये बहुत हेल्दी पास्ता है, इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी को इससे एनर्जी मिलेगी। ये बच्चों को आप ज़रूर दीजिए व्हीट पास्ता। तो मैं गाजर को 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम मैं इसमें शिमला मिर्च और टमाटर डाल दूंगी। जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं उनके लिए ये पास्ता बहुत ही बेटर है, उनको आप दीजिए, इससे बहुत एनर्जी आती है बच्चों में। स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फायदे वाली चीज़ है, आप ज़रूर इसको बनाइए और बच्चों को खिलाइए और बहुत बढ़िया बनता है ये। वेजिटेबल आप अपने मनपसंद की डाल सकते हैं इसमें। तो 2 मिनट के लिए इसको भी पका लेते हैं। तो सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, मैं गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो सॉस, 1 1/2 इसमें चिली सॉस। इसको मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बिल्कुल पनीर, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे, पास्ता डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे मिक्स करके। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत हेल्दी पास्ता है ये, व्हीट पास्ता है। अब हम इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। हमारा व्हीट पास्ता बनकर रेडी है।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।